नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल में मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत में बड़ा छोटा लंबा, सिर्फ एक वीडियो में हम सारे पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल वाला जो बटन है दोस्तों उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो सिर्फ एक वीडियो रहेगी, भारत में बड़ा छोटा और लंबा। इसके बाद में विश्व में लेके आऊंगा दोस्तों, मैं बड़ा छोटा लंबा, ये वो पॉइंट है दोस्तों जो आपसे सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अब तक जो एग्जाम्स आपके पिछली परीक्षाओं के लिए कराए गए हैं उन सभी में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों मिले हैं, और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये वीडियो साबित होगी। कम से कम दोस्तों यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे 100% अगर आपने ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखी तो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, किस में, क्षेत्रफल में। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान। राज्य सबसे बड़ा है राजस्थान। जो राजकाज होते थे दोस्तों वो पहले से ही पता है कि लंबे चौड़े एरिया में होते थे दोस्तों एक एक राजा के, तो बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान। दूसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या में कौन सा, पूछने का मतलब दोस्तों इसका ये है कि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो दोस्तों गोवा है। ठीक है, ये पॉइंट पूछे हुए हैं कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, गोवा। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो वो है आपका राजस्थान। अच्छा, 4 नंबर पॉइंट को देखिए, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा था, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में ये दोस्तों सिक्किम है। सिक्किम यानी जो जनसंख्या है ना वो कम कम, तो सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, सिक्किम में। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में दोस्तों कच्छ है, और कच्छ कहां है दोस्तों, गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में ही वो कौन सा है, माहे जो दोस्तों जिला है ये है पदुचेरी में। ठीक है, माहे जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और वो है पदुचेरी में। अगला बहुत ही ज्यादा उपयोगी वीडियो है अगर ध्यानपूर्वक आपने देखी तो। ऊंची चोटी ये पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है दोस्तों केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें वहीं सबसे लंबी नदी, बहुत बार पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। अगला सबसे चौड़ी नदी पूछ लेगा तो वो है ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा, अगर सबसे चौड़ी नदी पूछे तो वो है ब्रह्मपुत्र। अगला, दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत अगर नाम देता है आपको, नाम देके सीधा आपसे बोलता है ये कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों ये, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। वो किसकी सहायक नदी है, गंगा की। ये पूछेगा सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, या कह देगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो भी आपकी यमुना ही है। 12वां नंबर देखिए, सबसे बड़ी झील कौन सी है। पूरा प्रश्न ना लिख कर दोस्तों मैंने उसका शॉर्ट ले लिया है, तो बड़ी झील, सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है, बोलर झील जम्मू कश्मीर में। बार बार बड़ा छोटा लंबा बोलने की दोस्तों थोड़ी ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बार बार बड़ा छोटा लंबा बोला जाएगा, तो इस वजह से मैंने ऊपर ही लिख दिया था भारत में। ठीक है, भारत में बड़ा छोटा लंबा, सबसे बड़ी झील भारत में बुलर झील है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब दोस्तों भारत का राज्य नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं, अब जम्मू कश्मीर में से दोस्तों तो केंद्र शासित प्रदेश निकाल दिए गए हैं, यानी भारत में राज्य हो गए हैं 28 और केंद्र शासित जहां पहले 7 थे अब हो गए दोस्तों वो 9। अगला,
ताजे व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कहाँ पे? भारत में। ठीक है, भारत में ताजे व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में। वहीं बात करें खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो वो है चिल्का। ये चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी खारे जल की तटीय झील है। अगला ये पूछे सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील तो वो है चोलामू। ये कौन सी जगह है? चोलामू सिक्किम में है, भारत की सबसे ऊंची झील। 16वां नंबर, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम यानी खुद के द्वारा उत्पन्न की गई है। जो एक तो होता है दोस्तों प्राकृतिक, यानी जो प्राकृतिक रूप से हमें प्रकृति द्वारा प्रदान है दोस्तों, और एक है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब है जो हमने खुद से जनरेट किया है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, अगला सबसे लंबा समुद्र तट अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ का है, तो वो है मैरीना बीच। ये चेन्नई में है दोस्तों। ठीक है, मैरीना बीच चेन्नई में है। सबसे लंबा समुद्र तट भारत का। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आप सभी को पता होगा गुजरात है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इसके बाद में आता है नंबर आंध्र प्रदेश का। ठीक है, छोटी तट रेखा वाला राज्य, सबसे बड़ी तट रेखा तो होगी गुजरात की। अब छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है आपका गोवा। 20वां नंबर देखिए, लंबी तट रेखा एवं प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है, ये भी पूछ सकता है कि जिसकी लंबी तो तट रेखा है और प्रायद्वीपीय राज्य का एक हिस्सा है, तो वो राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जो तटीय रेखा है वो लंबी भी है और प्रायद्वीपीय राज्य भी है। अगला नंबर, 21 नंबर देखिए, ऊंचा बांध यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टी हरी। हरी दोस्तों जो भगवान विष्णु थे उनको हरी बोलते थे दोस्तों, तो वैसे भी ऊंचे ही थे। ठीक है, तो ऊंचा बांध है टी हरी बांध, और ये कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। लंबा बांध हीरा कुंड बांध है दोस्तों, ये महानदी पर है। लंबा हीरा, ठीक है, हीरा लंबा कुछ ऐसे मैच कर लीजिएगा। तो लंबा बांध है हीरा कुंड, ये दोस्तों महानदी पर है आपका। 23वां नंबर देखिए, बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-7, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है, NH-44 रख दिया गया है। तो जो भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो उसे आप टिक कर लीजिएगा। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-7, जिसका नाम अब NH-44 कर दिया गया है। वहीं बात करें सबसे छोटा राज्य भारत का, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह है आपका 47A। कितने किलोमीटर का है? कुल 6 किलोमीटर का है। वहीं बात करें 25 नंबर, अब देखिए सबसे लंबी सड़क कौन सी है, वो है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के दौरान कराया गया था, यानी शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था, दौरान नहीं। सवाल नंबर 26 देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल, राजस्थान में। वहीं बात करें भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे नर्मदा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, ये आपको बताना है हमें कमेंट करके, इस वजह से जगह मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। सवाल नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो वो है कैलाश मंदिर। कहाँ पर है कैलाश मंदिर? एलोरा में। सवाल नंबर 30 देखिए, लंबी सड़क सुरंग कौन सी, यानी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, वो है चेनानी से नासरी। ये भारत की सबसे लंबी दोस्तों सड़क सुरंग है, और चेनानी से नासरी तक ये बनाई गई है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। पहले जवाहर सुरंग थी, उसका दोस्तों इसने स्थान ग्रहण कर लिया है। अगला देखिए, लंबी रेल सुरंग, ये पूछे कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है,
तो रेल सुरंगें दोस्तों पीर पंजाल ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर राज्य में है। सवाल नंबर 32, लंबा रेल मार्ग यानी भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। यहाँ पर रेट मार्ग नहीं है, रेल मार्ग है, तो वह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अब डिब्रूगढ़ कहाँ है दोस्तों आपका, डिब्रूगढ़ है असम में और कन्याकुमारी कहाँ है आपकी, यह तमिलनाडु में। अगला देखिए, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यानी भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वो है गोरखपुर, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, वहाँ ही भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। बात करें वहीं सबसे लंबा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई, ठीक है, और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो है चेन्नई, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह वो है चेन्नई। ये देखिए 35वां नंबर, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वो है भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र। अगला देखिए, ऊंचा जलप्रपात यानी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो है कुंचिल, और ये कर्नाटक में, ठीक है, कुंचिल है कर्नाटक में, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे लंबी नहर ये पूछा हुआ है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है, ये कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में है। अगला है ऊंचा दरवाजा यानी भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, बुलंद दरवाजा है, ठीक है। चलिए अगला, भारत का सबसे बड़ा लीवर पूल कौन सा है, पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा लीवर पूल कौन सा है, हावड़ा ब्रिज, यह है पटना में, ठीक है, हावड़ा ब्रिज भारत का सबसे ऊंचा लीवर पूल है पटना में। अगला, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी की है या कौन सी है, तो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है दोस्तों भागीरथी और गंगा, इन दोनों नदियों की। सर्वाधिक वर्षा ये पूछा जा सकता है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है मानसिंगराम, ये मेघालय में दोस्तों, इसके बाद में नंबर आता है चेरापूंजी का, ठीक है। सबसे कम वर्षा भी पूछी जा सकती है कि सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ पर होती है, तो ये होती है दोस्तों लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ऊंची मीनार पूछ सकता है, तो यह है कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। गोल गुम्बज, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है ये, ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है, तो गोल गुम्बज है, वो बीजापुर में है। ये पूछ लेगा कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ये जामा मस्जिद है दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है नई दिल्ली में। अगला ये पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। अगला, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल, ठीक है, तो सेंट कैथेड्रल जो है आपका भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। अगला, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो यह है स्वर्ण मंदिर अमृतसर, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। अगला, अगर ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, ये पूछा हुआ है, तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, और सोनपुर कहाँ है, बिहार राज्य में है। अगला, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, वो है गोमतेश्वर की मूर्ति, कर्नाटक राज्य में है, सबसे ऊंची मूर्ति है ये गोमतेश्वर की कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा द्वीप ये पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है मध्य अंडमान। अगला, बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली में है, ठीक है, मांजुली है
मांजुली और ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और ये असम राज्य में है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है और असम राज्य में है। अगर ये पूछे कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है उमनंदा, ठीक है। उमनंदा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, असम राज्य में ही है दोनों, बड़ा भी और छोटा भी। बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम राज्य में, छोटा द्वीप है भारत का उमनंदा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम राज्य में है। सबसे बड़ा आवास, अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा आवास कौन सा है, वो है राष्ट्रपति भवन। अगर ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है, लाल किला है नई दिल्ली में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा किला है दिल्ली में है ये दोस्तों, ठीक है। तो ये थे इस वीडियो के सभी उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न जो रिलेटेड थे भारत में सबसे ऊंचा बड़ा लंबा। अगली वीडियो में लेके आऊँगा विश्व में बड़ा लंबा ऊंचा, इन सभी को दोस्तों एक ही वीडियो में कवर हम कर लेंगे। तो ये थी आज आप सभी के लिए आज की लेटेस्ट वीडियो। अगली वीडियो का दोस्तों जैसे ही बनाकर वो तैयार कर ली जाएगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आप सभी का दिन शुभ हो।